आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सेल में आप किसी भी शीट को हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसलेट यूज करके। उसके लिए हमने यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। कैसे किया है इसको हम बताते हैं। आप जब किसी भी वर्ड पे जाइएगा, रिव्यू दबाइएगा और ट्रांसलेट दबाइएगा तो आपका ट्रांसलेट होकर के वर्ड आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया। इसी तरह दूसरे नाम को फिर से करना है हमको, तो फिर से ट्रांसलेट दबाएंगे तो ये देखिए चेंज होके आ जाएगा और इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह किसी वर्ड लाइन को भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट किया, यहाँ पर देखिए कन्वर्ट होके आ गया, विवेकानंद मार्ग इलाहाबाद। इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हम इसी तरह से किसी भी बड़ी लाइन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके लिए ट्रांसलेट फिर दबाएंगे। अब ये बड़ी लाइन हमारी ट्रांसलेट हो करके आ जाएगी। इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी क्या होगा कि अब हमने कई लाइन में जब लाइन लिखा है तब ये ट्रांसलेट जो है प्रॉपर नहीं करेगा। क्या करेगा, जब आप ट्रांसलेट करिएगा इसको तो ये केवल फर्स्ट लाइन को ट्रांसलेट कर देगा और ये देखिए आपका वर्ड जो आएगा वो केवल फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेट होके आएगा। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको गूगल क्रोम की ज़रूरत पड़ जाएगी। कंट्रोल सी किया और यहाँ पे गूगल क्रोम पे गए, क्योंकि आपको ढेर सारे टेक्स्ट कन्वर्ट करने हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी जब हम करेंगे तो ये गूगल ट्रांसलेट में आप जो कुछ भी टाइप करिएगा वो कन्वर्ट होकर हिंदी में आ जाएगा। इसको वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर आकर के एक्सेल में पेस्ट कर दीजिएगा। तो जब आप पेस्ट करिएगा तो वो पूरा हिंदी वाला यहाँ पे आ जाएगा। अभी क्योंकि इसका फॉन्ट का कलर डिफरेंट है तो इसको ब्लैक कर दीजिए तो ये देखिए आपका ट्रांसलेट होके आ जाएगा। इस तरह से आप पूरी सारी लाइन को वहाँ पर ट्रांसलेट करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह पूरा पेज भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके अलावा रिव्यू में आपका स्पेलिंग आता है। अगर आपने गलत कोई स्पेलिंग लिखी है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। हमने ये गलत स्पेलिंग लिखी, आप स्पेलिंग करिएगा तो वो स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट। अगर उससे रिलेटेड वर्ड होगा तभी वो देगा। यहाँ पर वेपन्स वर्क्स WRKX किया हमने। अब ये इसकी स्पेलिंग चेक करेंगे तो ये देखिए अमर पे चला गया। ये कैंसिल करें, इसको क्लिक करें, स्पेलिंग करें, अमर पे पता नहीं क्यों जा रहा है। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे दूसरे इस पे जाते हैं। यहाँ पे अब हम इसको वर्ड को चेक करते हैं। चलिए इसको छोड़ दें, यहाँ पे कहीं पे कर लेते हैं। स्पेलिंग चेक, थर्मोबैरिक। अब देखिए थर्मोबैरिक को उसने अलग अलग कर दिया, तो वो उसको ऑप्शन देगा। यहाँ पे आप अपनी स्पेलिंग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पे जब हम वर्क्स लिखेंगे और इसके फैसल्स को चेक करेंगे तो ट्रांसलेट करा तो यहाँ पे वर्क का क्या देता है देखते हैं। ये आया, वो फंसा हुआ था, देखिए कार्य दे दिया उसने। अब हम इसको देखते हैं, इसका फैसेस देखते हैं। तो ये देखिए मैकेनिज्म, वर्किंग, मशीनरी, मूविंग पार्ट, फैक्ट्री,
ये सारी चीजें दे देगा। तो इस तरह से हम रिव्यू मेन्यू के चारों ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और प्रूफिंग में आप जाइएगा तो आपको उसे लैंग्वेज और ट्रांसलेट करके यहाँ पर आपका सारा कुछ दे देगा। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इनफॉर्मर, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन, एंड प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जिससे हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। सो थैंक यू व्यूअर्स, दिस इज ऑल टुडे।